हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय विज्ञान एस ब्लॉक के तत्व के भाग 3 का वीडियो है, जिसमें हम सोडियम के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, सोडियम के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सोडियम के यौगिक कौन कौन से हैं? पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम बाई कार्बोनेट, तीसरा सोडियम क्लोराइड और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे, जो सोडियम का यौगिक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जिसका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसे किससे प्राप्त करते हैं? सोडियम या उसके ऑक्साइडों पर पानी की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त विलयन का वाष्पन करने से ठोस कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाता है। तो इसका हम निर्माण करते हैं कास्टनर केलनर सेल से। एक प्रकार का विद्युत सेल होता है। ये एक ऐसा विद्युत सेल होता है जिसमें हम विद्युत प्रवाहित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करते हैं। तो कास्टनर केलनर सेल विद्युत सेल होता है, जिसके द्वारा हम NaCl का अपघटन कराते हैं तो NaOH प्राप्त होता है। NaCl का कैसा अपघटन? विद्युत अपघटन। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम विद्युत सेल का उपयोग कर रहे हैं, तो विद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है? इसका विद्युत अपघटन कराने पर हमें NaCl से NaOH प्राप्त होता है। अब विद्युत सेल है तो जाहिर सी बात है कि विद्युत सेल में कैथोड होगा और एनोड होगा। तो कैथोड पर क्या होता है और एनोड पर क्या होता है? कैथोड जो होता है Hg मरकरी, मतलब मरकरी कैथोड का कार्य करती है और कार्बन एनोड का कार्य करती है। कार्बन जो एनोड का कार्य करती है, वो दो छड़ें होती है, एक कैथोड और एक एनोड होती है। एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड पर मरकरी लगी होती है और एनोड पर कार्बन। तो उसका जब हम ये जो लवण का जल होता है NaCl, इसको जब हम विद्युत सेल डालते हैं, उसका विद्युत अपघटन होता है। जब उसका विद्युत अपघटन होता है तो NaCl में टूट जाता है, जिसका विद्युत अपघटन होता है और Na पॉजिटिव प्लस जिसका रासायनिक समीकरण होता है Na प्लस प्लस E नेगेटिव, Hg जो एरो के ऊपर है, जिससे बनता है Na। ये कैथोड पर होता है, इसी प्रकार से क्लोरीन पर भी होता है, जैसे Cl माइनस Cl2 में बदल जाता है। ये सब विद्युत सेल के अंदर हो रहा है, सोडियम मरकरी के, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका विद्युत अपघटन हो रहा है। विद्युत अपघटन होने के बाद सोडियम और क्लोरीन मुक्त होता है। अब ये इसके साथ मिलकर अमलगम बना लेता है, मतलब सोडियम मरकरी के साथ मिलकर अमलगम बना लेता है। अमलगम बनाने के बाद जब इसे जल में घोलते हैं तो NaOH बनता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इसके गुणधर्म को देखते हैं, जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं।
तो भौतिक गुण देखते हैं पहले। भौतिक गुण में ये श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जो छूने पर साबुन के समान चिकना लगता है। ये अत्यंत आर्द्रता ग्राही है, मतलब नमी को अवशोषित करके गीला हो जाता है। और ये जल और अल्कोहल में विलेय है। इसका गलनांक 318 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा त्वचा पर लगाने से घाव उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब इसका रासायनिक गुण है, ऊष्मा का प्रभाव, वायु का प्रभाव, अम्लों के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया आदि बहुत सारे रासायनिक गुण हैं। अब इसके उपयोग देखते हैं कास्टिक सोडा का। इसका उपयोग है साबुन, कागज, वस्त्र, पेट्रोल को शुद्ध करने में, बॉक्साइट को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम का दूसरा यौगिक के बारे में देखेंगे जो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्राइड भी कहते हैं। इसे धावन सोडा भी कहते हैं। अब इसके बनाने की विधि देखते हैं। इसकी बना साल्वे विधि द्वारा इसका निर्माण होता है। जब अमोनिया में सोडियम क्लोराइड विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं जिससे अमोनिया में बाइकार्बोनेट बनता है जो सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अल्प विलय होने से अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, मतलब क्रिस्टलीय रूप में होता है। इसे छान कर निष्तापित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जो CO2 प्राप्त होता है उसे पुनः ऊपर अभिक्रिया से में प्रयोग करते हैं। बुझे चूने की NH4Cl पर क्रिया से NH3 भी पुनः प्राप्त बना लेता है। इस प्रकार इस विधि में CO2 और NH3 बार बार प्रयुक्त होते हैं। साल्वे विधि से इसमें एक बात नोटिस करने वाली चीज़ है कि साल्वे विधि से पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बनाया जा सकता है, मतलब साल्वे विधि से सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिया के बीच में प्राप्त होने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट के समान यौगिक पोटेशियम KHCO3 अत्यधिक विलेय होने से क्रिस्टलन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह से साल्वे विधि कंप्लीट हुआ। अब इसके सोडियम कार्बोनेट के गुण देखेंगे, जिसमें भौतिक गुण रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण देखते हैं, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, ये जल में विलेय है और इसका गलनांक 852 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे व्यापारिक रूप से भी प्राप्त किया जाता है, जिसमें धोने का सोडा ऐश होता है, इसके रूप में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब इसके रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण में वायु एवं ऊष्मा का प्रभाव, जल का प्रभाव, अम्लों से अभिक्रिया आदि रासायनिक गुण प्राप्त होता है। अब सोडियम कार्बोनेट के उपयोग देखते हैं। इसके उपयोग होते हैं कपड़े धोने के सोडे के रूप में, कांच उद्योग, कास्टिक सोडा तथा साबुन उद्योग में,
जल की कठोरता दूर करने के लिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और सोडियम के अन्य लवण बनाने में। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का विधि टॉपिक समाप्त होता है। आगे का एस ब्लॉक एलिमेंट्स के दूसरे वर्ग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।